सिंगिंग टैलेंट शोज के थ्रू निकले हुए ऐसे कई सिंगर्स हैं जिनको मेनस्ट्रीम पॉपुलैरिटी और बॉलीवुड में सक्सेस अचीव हुई है। इन टैलेंट शोज के थ्रू ना ही सिर्फ प्रोड्यूसर्स के लिए टैलेंट को ढूंढना आसान हो गया है, बट उन टैलेंटेड सिंगर्स को जो देश के कोने कोने में रहते हैं, एक प्लेटफॉर्म भी मिल गया है अपने करियर की तरफ एक पहला स्टेप उठाने के लिए। प्रेजेंट डे बॉलीवुड म्यूजिक सीन में ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं जिनको टैलेंट शोज के थ्रू डिस्कवर किया गया है। आज का हमारा टॉप 10 लिस्ट करेगा ऐसे ही 10 सिंगर्स को। इससे पहले कि हम अपना टॉप 10 स्टार्ट करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू रिसीव नोटिफिकेशंस अबाउट ऑल आवर लेटेस्ट अपडेट्स एंड वीडियोस। तो ये है 10 बेस्ट हिंदी प्लेबैक सिंगर्स हु वर डिस्कवर्ड थ्रू टैलेंट शोज। अरिजीत सिंह आज की जनरेशन के सबसे पॉपुलर प्लेबैक सिंगर। अरिजीत सिंह प्रेजेंट सीन ऑफ हिंदी म्यूजिक में सबसे वर्सेटाइल वोकलिस्ट है, मगर शायद आपको पता नहीं होगा कि अरिजीत ने अपने करियर की शुरुआत सोनी टेलीविजन के सिंगिंग रियलिटी शो फेम गुरुकुल से की थी साल 2005 में। रियलिटी शो से फिल्मों तक का सक्सेस का सफर अरिजीत के लिए शुरू हुआ था अपने करियर मेकिंग सॉन्ग तुम ही हो से फ्रॉम द मूवी आशिकी 2, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। अरमान मलिक, तुम्हें अपना बनाने का, सब तेरा, बोल दो ना जरा जैसे हिट सॉन्ग्स डिलीवर कर चुके अरमान मलिक सबसे पहले सारेगामा पा लिल चैंप्स में एज अ कंटेस्टेंट नजर आए थे। अरमान की एज उस टाइम सिर्फ 11 साल की थी एंड ही बिकेम अ फाइनलिस्ट इन द किड्स वर्जन ऑफ द आइकॉनिक शो, एंड नाउ यू नो हिम एज द सिंगर बिहाइंड सॉन्ग्स लाइक चले आना, दिल में हो तुम, जब तक एंड मोर। शेखर रावजियानी, बहुत कम लोग जानते हैं कि विशाल शेखर की हिट म्यूजिकल जोड़ी में शेखर एके शेखर रावजियानी पहले सारेगामा पा में एज अ सिंगिंग कॉन्टेस्टेंट सबसे पहले नजर आए थे। हु वुड हैव नोन देन दैट ही वुड बिकम वन ऑफ द मोस्ट वेल रिकॉग्नाइज्ड म्यूजिक कंपोजर्स ऑफ द कंट्री एंड विल जज द शो हिमसेल्फ लेटर ऑन। सुनिधि चौहान, 1996 में मेरी आवाज सुनो नाम के रियलिटी शो में सुनिधि चौहान ने एज अ चाइल्ड सिंगर पार्टिसिपेट किया था और उस शो को जीता था। उसके बाद साल 1999 में सुनिधि चौहान ने अपने पावरफुल और बिंदास वोकल्स को दिखाया था राम गोपाल वर्मा की फिल्म मस्त के गाने रुकी रुकी सी जिंदगी में। पिछले 25 सालों से ऊपर में सुनिधि ने टाइम एंड अगेन ये प्रूव किया है दैट शी इज वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल फीमेल सिंगर्स ऑफ इंडिया टुडे। नीति मोहन, इश्क वाले लव और जीआरए जैसे बॉलीवुड नंबर्स गा चुकी न्यू जनरेशन सिंगर नीति मोहन ने अपने करियर की शुरुआत की थी पॉप स्टार्स नाम के एक शो से जो चैनल बी में दिखाया जाता था। उस शो को 4 और सिंगर्स के साथ जीतकर नीति ने आसमा नाम का बैंड क्रिएट किया था जिनका सॉन्ग चंदू के चाचा ने काफी हिट हुआ था। बैंड के अलग हो जाने के बाद शी स्टार्टेड हर सोलो करियर एंड वॉन सेवरल अवार्ड्स फॉर हर डेब्यू फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम जब तक है जा एंड स्टूडेंट ऑफ द ईयर। श्रेया घोषाल, पिछले 20 सालों की सबसे एडमायर्ड फीमेल सिंगर्स में से एक है श्रेया घोषाल, जिन्होंने हिंदुस्तानी क्लासिकल और मेनस्ट्रीम बॉलीवुड में बराबर की महारत हासिल करी है। श्रेया ने अपने करियर की शुरुआत 16 साल की एज में की थी जब वो जी टीवी के आइकॉनिक शो सारेगामा पा में नजर आई थी, जहां संजय लीला भंसाली ने उनकी आवाज को डिस्कवर किया था और देवदास फिल्म के लिए उनको साइन किया था। शी ऑल्सो गेन्ड पॉपुलैरिटी फॉर हर हिट सॉन्ग्स फ्रॉम द मूवी जिस्म। नेहा कक्कर, नेहा कक्कर आज की जनरेशन की सबसे पॉपुलर फीमेल सिंगर्स में से एक है एंड हर जर्नी आल्सो स्टार्टेड फ्रॉम टेलीविजन। नेहा नजर आई थी इंडियन आइडल 2 में साल 2006 में, जिसमें वो शो के टॉप 10 तक पहुंच गई थी। उसके बाद धीरे धीरे एक के बाद एक हिट सॉन्ग्स डिलीवर करते हुए नेहा हैज बिकम वन ऑफ द हाईएस्ट पेड सिंगर्स ऑफ इंडिया टुडे। हर फर्स्ट मेजर ब्रेक वॉज द सॉन्ग सेकेंड हैंड जवानी फ्रॉम द मूवी कॉकटेल। मोनाली ठाकुर, मोनाली ठाकुर इज अ नेशनल अवार्ड विनिंग सिंगिंग टैलेंट और उनकी शानदार आवाज और रेंज को तो हम कई सॉन्ग्स में देख ही चुके हैं, बट यू माइट नॉट नो कि मोनाली ने भी अपने करियर की शुरुआत की थी रियलिटी शोज से। साल 2005 में वो इंडियन आइडल के एक सीजन में नजर आई थी
जिसके बाद उनको प्रीतम चक्रवर्ती ने बॉलीवुड में ब्रेक दिया था। अनुष्का मनचंदा। इंडिया के सबसे पहले गर्ल बैंड वीवा का पार्ट अनुष्का मनचंदा सबसे पहले दिखी थी चैनल वी के शो पॉप स्टार्स में, जिसे चार और लड़कियों के साथ जीतकर शी फॉर्म द बैंड। वीवा ने अपनी पहली एल्बम 2002 में रिलीज करी थी और अपनी दूसरी एल्बम जो कि उनकी लास्ट एल्बम थी करी थी 2003 में रिलीज। इसके बाद वो बैंड अलग हो गया था और उसके बाद अनुष्का ने अपने सोलो करियर में डांस बसंती और ना जाने और गोलमाल जैसे हिट सॉन्ग्स को एज अ सोलो आर्टिस्ट गाया था। बट वी स्टिल रिमेंबर दैट इट वाज थ्रू रियलिटी टीवी शी गेन्ड हर फर्स्ट एवर प्लेटफॉर्म। जुबीन नौटियाल। कई सालों तक क्लासिकल सिंगिंग में ट्रेनिंग लेने के बाद साल 2011 में जुबीन नौटियाल ने पार्टिसिपेट किया था एक्स फैक्टर के इंडियन वर्जन में, जिसमें वो शो के टॉप 25 में पहुंच गए थे। But that was not the end of things for him. उसके बाद साल 2014 में अपनी बॉलीवुड ब्रेक के बाद जुबीन ने कई हिट सॉन्ग्स दिए हैं, बजरंगी भाईजान, काबिल और जॉली एलएलबी 2 जैसी मूवीज के लिए। इन पॉपुलर सिंगर्स के अलावा ये है कुछ और मेनस्ट्रीम सिंगर्स जिन्होंने सिंगिंग रियलिटी शोज के बाद सक्सेस और हिट्स अचीव किए हैं। Isn't it wonderful how we have found so much talent through these reality shows in the past years? In talented singers में से कौन है आपका personal favorite? Let us know in the comment section below and don't forget to subscribe for more.